में सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए एमएससी फाइनल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, और प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स में से हम एग्जांपल्स हम वो डिस्कस कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल एंड प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल के। तो जो मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं वो मैंने कराए हैं प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल के, तो यहाँ पे भी मैंने दो एग्जांपल्स हम वो लिखे हुए हैं जो कि प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल के ही हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल में देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल दिया है काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल और काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल है, नेट या फिर गेट के लेवल का एग्जांपल है। तो चलिए देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो यहां से देखिए हमें साथ में, मैं कई बार बोलती हूं कि हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के उसे कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको स्टीरियो का भी पता होना चाहिए, आपको जीओसी का भी पता होना चाहिए, आपको रिएजेंट्स का भी पता होना चाहिए, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का भी पता होना चाहिए, तभी आप एक एग्जांपल को सॉल्व कर पाते हो। और ये जो एग्जांपल हमने लिखा है ये भी कुछ इसी टाइप का एग्जांपल है, इसमें अपने को प्रोटेक्टिंग ग्रुप का भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें यहां से रिएजेंट्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन से रिएजेंट का क्या फंक्शन होता है। आफ्टर दैट हमें स्टीरियो केमिस्ट्री का भी पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट है वो किस स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हमें यहां से जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसका भी पता होना चाहिए। तो देखिए एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही एग्जांपल में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इन्वॉल्व कर रहा है ये एक एग्जांपल। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को काफी हेल्प होगी इस वाले एग्जांपल से। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि हमें क्या दिया हुआ है यहां से, MEMCl CH2Cl2DIPEA। तो यहां पे सबसे पहली चीज तो ये DIPEA है, ये क्या होता है, डाई आइसोप्रोपाइल इथिलीन एमीन होता है। ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल इथिलीन एमीन होता है। साथ में हमें हमारे जो काम का है यहां पे वो हमने क्या लेना है, MEMCl लेना है। MEMCl क्या होता है, मैंने सारी चीजें प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल में कराई हुई है तो बार बार मैं ये फुल फॉर्म वगैरह नहीं बताऊंगी, क्योंकि यदि मैं बताती हूं तो फिर आप लोगों को क्या समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा, फिर से आप लोगों को सब कुछ इसी एग्जांपल में मिल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों का रिवीजन भी होना चाहिए, एटलीस्ट आपको ये तो याद होना ही चाहिए कि ये MEMCl है क्या, इसका फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीजें आपका एक रिवीजन हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो यहां से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया हुआ है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप लिया हुआ है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप MEMCl किसका प्रोटेक्शन करेगा, यहां से ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोक्सिल का प्रोटेक्शन करेगा। अब हाइड्रोक्सिल का प्रोटेक्शन कराने के बाद यहां से सबसे पहली चीज है वो प्रोडक्ट क्या बन रहा है। हाइड्रोक्सिल का प्रोटेक्शन कराएंगे यहां से तो देखिए माइनस क्या होना है, यहां से तो ये वाला क्लोरीन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, माइनस HCl होना है, इसीलिए हमने यहां पे एमीन लिया हुआ है। ठीक है, चीज क्लियर हो रही है। HCl यहां से एसिड है वो माइनस हो रहा है, इसीलिए हम यहां पे क्या रख रहे हैं, एमीन रख रहे हैं। अब इसके बाद जैसे ही हम प्रोटेक्शन कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से फॉर्म होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन के बाद का जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, प्रोटेक्शन करा देना है। ओके, तो यहां से क्या बना, ओ एम ई एम। ठीक है, यहां से क्या बना, ओ एम ई एम, ये अपना क्या है, ओ एम ई है, ओ सी एस थ्री भी से लिख सकते हैं, और ये बना है ओ एम ई एम, यानी कि हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल है वो कंप्लीट कराया। आफ्टर दैट देखिए अब हमें रिएजेंट केमिस्ट्री पे आना है। रिएजेंट केमिस्ट्री में जो हमारा सबसे पहला स्टेप है उसमें क्या दिया हुआ है, ओ एस ओ फोर दिया हुआ है, ये क्या होता है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड होता है। अब ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का फंक्शन क्या है, तो देखिए मॉलिक्यूल को देखिए एक बार के लिए, मॉलिक्यूल में क्या है अपने पास, एल्कीन है, एल्कीन है उसको डायोल में कन्वर्ट करेगा। OSO4 का फंक्शन यहां से क्या होने वाला है, OSO4 है वो यहां से करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन करेगा और किसमें करेगा, सिन डायोल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सिन डायोल ही फॉर्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका भी हमें आगे यूज करना है। ठीक है, सिन डायोल की फॉर्मेशन करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां से फंक्शन में आता है अपना OSO4। OSO4 क्या है, डायोल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होना है, डायोल फॉर्मेशन होना है, और डायोल फॉर्मेशन है वो होगा किस पे, एल्कीन पे होगा। तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने किया है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन जब हम करते हैं तो यहां से सिन डायोल की फॉर्मेशन है वो हो जाती है, और साथ में हमारा यहां पे क्या है, ओ एम ई एम है। ठीक है, बाकी का जो पोर्शन है ये तो अपना क्या था, सेम एज इट इज रहना है, अभी रिएक्शन है वो इस वाले पोर्शन पे हुई है। ठीक है, तो यहां से एल्कीन था, एल्कीन ब्रेक होके किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, डायोल की फॉर्मेशन कर रहा है। डायोल हमें कौन सा बनाना है, सिन डायोल बनाना है। सिन डायोल बनाएंगे तो देखिए ये यहां से हमारा कुछ इस टाइप से है, इसके साथ हम डायोल है उसे कुछ इस टाइप से अबो द प्लेन भी जोड़ सकते हैं दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को, या फिर हम यहां से इनको बिलो द प्लेन भी जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों है वो सेम साइड होने चाहिए। ठीक है,
दोनों सेम साइड होंगे, चाहे वो अबव द प्लेन रखें चाहे फिर बिलो द प्लेन रखें। तो मैं इनको यहाँ पे अबव द प्लेन रख रही हूँ दोनों ही हाइड्रोक्सिल्स को। चीज क्लियर हुई? तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन हो रही है वो किसकी हो रही है? सिनडायोल की फॉर्मेशन हो रही है। अब सिनडायोल की फॉर्मेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है उसमें हमने यहाँ पे लिया हुआ है NaIO4। ये क्या होता है? अपना सोडियम पर आयोडेट होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको ऑक्सीडेशन है, MSc फाइनल की ऑक्सीडेशन वाली यूनिट है वो आपको देखनी चाहिए। OSO4 NaIO4 दोनों का कॉन्सेप्ट है वो मैंने वहां पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आपको ऑक्सीडेशन वाले वीडियोस है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1-2 डायोल है वो आपको देखना चाहिए, और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन भी देखना चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको ये मैकेनिज्म समझ आएगी कि कैसे हमने यहां से डायोल की फॉर्मेशन की है, ठीक है। आफ्टर दैट NaIO4 है, ये क्या करता है? ये क्लीवेज करता है सिनडायोल का, ठीक है। सिर्फ सिनडायोल का क्लीवेज करेगा, इसीलिए हमने यहां पे सिनडायोल की फॉर्मेशन की थी, ठीक है। एंटी डायोल हम यहां पे लेते हैं या फिर ट्रांस डायोल हम यहां पे लेते हैं तो उसका क्लीवेज है वो NaIO4 नहीं करेगा, फिर उसका कौन करेगा? लेड डेट्रा एसीटेट है वो करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे NaIO4 लिया है, NaIO4 इसका फंक्शन है वो क्या होगा? क्लीवेज ऑफ डायोल, ठीक है। इसका फंक्शन है ये क्या? क्लीवेज ऑफ डायोल है। तो डायोल का क्लीवेज जब ये करेगा तो किस टाइप से करेगा? डायोल का जब ये क्लीवेज करता है तो ये इसे कन्वर्ट करने वाला है किसमें? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। डायोल का क्लीवेज होने से ये कन्वर्ट किसमें होता है? एल्डिहाइड में होता है, ठीक है। तो NaIO4 का फंक्शन भी समझ आता है। OSO4 है ये डायोल की फॉर्मेशन कर रहा है सिन डायोल की, और ये जब हम लेते हैं फंक्शन में NaIO4, इसकी मैकेनिज्म भी आपको जाके देखनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन ऑफ सिन डायोल में, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ 1-2 डायोल में। ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले से, ऑक्सीडेशन वाली आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, उसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट वो मिल जाएंगे। अब यहां से देखिए ये किसमें ब्रेक कर रहा है? इसको एल्डिहाइड में ब्रेक कर रहा है। तो एल्डिहाइड में जब ब्रेक करेगा तो देखिए यहां से क्या है? एक कार्बन है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है? HCHO होता है। तो यहां से माइनस है वो तो कौन होने वाला है? HCHO है वो तो माइनस होने वाला, और यहां पे फॉर्मेशन किसकी होने वाली है? CHO की फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप का जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो यहां से कुछ इस टाइप का होता है। काफी कॉम्प्लिकेटेड है मैकेनिज्म, कॉम्प्लिकेटेड हम इसे नहीं बोल सकते, बस आपको रिएजेंट्स की नॉलेज है वो होनी चाहिए। यदि आपको रिएजेंट्स का नॉलेज नहीं है फिर ये आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर नहीं समझ आएगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा, ठीक है। देन यहां से देखिए किसकी फॉर्मेशन हुई? दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई। एक को हमने यहां से एलिमिनेट कर दिया, क्यों? क्योंकि बॉन्ड का क्लीवेज हो चुका है तो अब इसका यहां पे कोई काम नहीं है, कहां से जुड़ेगा। और दूसरा जो है हमारा वो यहां से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो चुकी। उसके बाद देखिए सेकंड रिएजेंट, अभी तक हमने दो रिएजेंट्स का यूज कर लिया, OSO4 NaIO4। OSO4 ने डायोल की फॉर्मेशन की और NaIO4 सोडियम पेरआयोडेट ने डायोल का क्लीवेज कर दिया। देन हम रिएक्शन में लेते हैं NaBH4। अब इसका तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, NaBH4 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पे हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड का रिडक्शन तो बहुत ही इजीली कर देता है NaBH4 का तो काम ही क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करना। और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट किसमें होता है? 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है यहां पे तो, ठीक है। अब यहां से देखें नेक्स्ट हमने लिया NaBH4 है, ये क्या करने वाला है? रिडक्शन करने वाला है। रिडक्शन करेगा किसका? करेगा एल्डिहाइड का करेगा। चीज समझ आ रही है कि हमने क्यों प्रोटेक्शन करके रखा था अल्कोहल का, ठीक है। तो यहां से देखें नेक्स्ट स्टेप में रिडक्शन हो जाता है, यहां से हुआ रिडक्शन OMe। आफ्टर दैट यहां से देखिए ये चीज समझ आ रही है, ये वाला जो CHO था ये कन्वर्ट किसमें होता है? CH2OH में कन्वर्ट होता है, ठीक है। CHO है ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है? CH2OH में कन्वर्ट हो रहा है। चीज समझ आ रही है, ये क्या है? CH2OH है। अब इसके बाद क्या होने वाला है? तो इसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या दिया हुआ है? PHCS2OH दिया हुआ है, यानी कि बेंजील अल्कोहल दिया हुआ है, बेंजील अल्कोहल दिया हुआ है। साथ में हमें NaS दिया हुआ है, यानी कि अगेन हमें क्या करना है? प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल ही करना है, ठीक है। यही समझ आ रहा है कुछ? ये वाला अल्कोहल है और इस वाले ग्रुप से जो अपना बेंजील अल्कोहल होता है इससे हमने कई बार प्रोटेक्शन कराया, इसकी जब इसकी प्लेस में हम कई बार ये यूज किया, सॉरी
OH की प्लेस पे कई बार हमने Cl है वो यूज किया है, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, अल्कोहल लेना है। ये भी वाला अल्कोहल है, जब दो अल्कोहल्स हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन किसकी होती है, ईथर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जानते हैं हम लोग ये। जब दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां से ईथर की फॉर्मेशन होती है। तो होगा किस तरह से, देखिए नेक्स्ट जो हमारा रिएजेंट है इसके साथ में, ये वाला जो प्लस है ये यहां से फॉर्म नहीं हो रहा, मैं यहां पे दूसरा रिएजेंट है वो ऐड कर रही हूं, ठीक है। तो दूसरा रिएजेंट है वो हमने क्या किया, OH CH2PH, ठीक है, OHCH2PH, ये हमने सेकंड रिएजेंट है ये हमारा रख लिया। अब यहां से देखिए होता क्या है, माइनस होना है H2O, चीज क्लियर हो रही है, माइनस क्या होगा, H2O माइनस होगा, और H2O के माइनस होने से यहां पे जो फॉर्मेशन होती है वो होती है ईथर की, और यही है हमारा, नहीं फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमें डिप्रोटेक्शन है वो और भी करना है, ठीक है। तो यहां से ईथर की फॉर्मेशन हो रही है, OMe, OMeM, ठीक है। देन यहां से देखिए यहां पे क्या था अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में कौन जोड़ना है, CH2PH जोड़ना है, ठीक है, CH2PH जोड़ना है। तो यहां से कुछ इस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। लास्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, Bu4N पॉजिटिव F नेगेटिव, ये क्या करेगा, डी प्रोटेक्शन करेगा। डी प्रोटेक्शन ये किसका करेगा, इस वाले अल्कोहल का करेगा। तो यहां से जब डी प्रोटेक्शन होता है तो जो हमारा प्रोडक्ट बी है वो क्या आने वाला है, ये चीज हमें देखनी है। जैसे ही हम डी प्रोटेक्शन कराते हैं तो यहां से देखिए OME देन OH then O CH2PH, ठीक है, और यही हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो होता है, यही क्या है अपना B है। चीज क्लियर हो रही है, ये क्या होता है, बी होता है। अगेन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं, यहां से देखिए सबसे पहले हमने जो अपना मॉलिक्यूल था वो लिया हुआ है, मॉलिक्यूल पे सबसे पहले हमने प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल कराया, प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल करा के पहले हम डायोल फॉर्मेशन करते हैं, डायोल फॉर्मेशन के बाद हम क्लीवेज ऑफ डायोल करते हैं जो कि एल्डिहाइड में होता है, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स वो बनते हैं यहां से, ठीक है। सिन डायोल था, सिन डायोल के क्लीवेज से यहां से एक HCHO का फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, एक एल्डिहाइड बचता है जिसका हमने रिडक्शन कराया, रिडक्शन से एल्डिहाइड वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है, देन हमने दो अल्कोहल्स की रिएक्शन करा के ईथर की फॉर्मेशन की है, और देन हमने लास्ट में क्या कराया है, डीप्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल कराया है, जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट बी है वो ऑब्टेन हो जाता है। ये थी अपनी पहला एग्जांपल। अब इसके बाद एक और एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये भी अपना कुछ सिमिलर ही है, किसके प्रोडक्ट्स, ऊपर वाले एग्जांपल के बिल्कुल सिमिलर ही एग्जांपल है ये भी। तो देखिए सबसे पहले हमें यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने यूज क्या किया है, TBDMSCl यूज किया है, टर्सरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है, चीज समझ आ रही है, टर्सरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड बल्की ग्रुप होता है, ठीक है, बल्की ग्रुप होता है ये। तो सबसे पहले क्या होना है, यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल होना है, अल्कोहल दिख रहा है यहाँ पे, तो इस वाले अल्कोहल का पहले हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। तो यहां से देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें कुछ इस टाइप से होने वाला है, ठीक है, यहां पे क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन एज इट इज रहेगा, यहां से बिलो द साइड अपना कौन है, हाइड्रोक्सिल है, और हाइड्रोक्सिल का जो हाइड्रोजन है वो तो हमने निकाल दिया, HCl की फॉर्म में निकल गया, यहां से इस क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन HCl की फॉर्म में निकल चुका है। अब यहां पे कौन बचता है, TBDMS। इसके बाद देखिए सेकंड स्टेप में क्या होना है, सेकंड स्टेप में हमने लिया हुआ बेस, बेस का काम क्या होता है, मोरिसिटिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहां से ये अपना कार्बोनिल है, कार्बोनिल की अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होता है वो कौन सा होता है, मोरिसिटिक हाइड्रोजन होता है, तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और जब बेस मोरिसिटिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहां से देखिए के पॉजिटिव वो तो अलग हो जाएगा, के पॉजिटिव के प्लेस पे आके कौन जुड़ रहा है, एच पॉजिटिव जुड़ रहा है, और एच पॉजिटिव जुड़ेगा तो यहां से फॉर्मेशन होती है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की, CH3COH है वो यहां से बाहर हो जाता है, जो कि अपना 3 डिग्री अल्कोहल होता है। यहां पे मैं इसे सेकंड स्टेप ही लिख रही हूं, आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये वाला रिएजेंट हमने यहां पे अप्लाई किया है। इसके बाद देखिए जैसे ही यहां से हाइड्रोजन जाता है, हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, एच पॉजिटिव की फॉर्म में यहां से एलिमिनेट कर रहा है, तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पे छोड़ के जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पे छोड़ के जाएगा, तो चार्ज कौन सा आना है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आना है, ठीक है। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पे छोड़ रहा है अपना, तो यहां पे चार्ज है वो कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब नेगेटिव चार्ज आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहां से क्या होना है, ये वाला OTBDH
एम एस, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहां से कौन है अपना, ब्रोमीन है। अब यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो यहाँ से SN2 मैकेनिज्म होती है और SN2 मैकेनिज्म में यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड है वो होता है। किस टाइप से होगा, देखिए यहाँ से ये वाला ब्रोमीन है, ब्रोमीन का यहाँ पे कौन सा है, एंटीबॉन्डिंग है। जस्ट लाइक हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ये ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है, ये ब्रोमीन का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और बॉन्डिंग ऑर्बिटल के जस्ट पीछे कौन सा होता है, एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। जैसे ही यहाँ से ये निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाते हैं तो फॉर्मेशन हो जाती है एक साइक्लिक कंपाउंड की, एक और रिंग की यहां पे फॉर्मेशन हो जाती है। एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स वो तो ब्रेक करेंगे, ये चीजें तो क्लियर है ना, बॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग वाली। तो यहां से माइनस बी आर निगेटिव होता है और माइनस बी आर निगेटिव है, ये जाएगा किसके साथ, के पॉजिटिव के साथ। तो यहां से माइनस के बी आर हो रहा है, ठीक है। काफी पहुंचे हुए एग्जांपल्स हैं, दोनों ही काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो यहां से माइनस के बी आर होगा और जैसे ही माइनस के बी आर होता है तो फॉर्मेशन है वो होती है कुछ इस टाइप के कंपाउंड की। ओ टी बी डी एम एस, ठीक है। और यहां से, ठीक है, चीज क्लियर हो रही है। और यहां पे क्या है, कार्बोनिल है, चीज क्लियर हुई। यहां से थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग की यहां से फॉर्मेशन हो जाती है, एक फोर मेंबर है, दूसरी फाइव मेंबर है और इसके साथ में एक थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन है वो भी हो जाती है। और यहां से एलिमिनेशन ऑफ क्या हुआ है, एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन या फिर एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन है वो हम बोल सकते हैं। किससे हुआ, SN2 मैकेनिज्म से। क्यों बोल रहे हैं SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि पहले यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, देन यहां से ये बॉन्ड है ये ब्रेक कर रहा है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म बोल रहे हैं, क्योंकि बैक अटैक हो रहा है, ठीक है। इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन है वो यहां से ऑब्टेन हो रहा है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच गए, लास्ट पॉइंट पे हमें क्या करना है, डीप्रोटेक्शन कर देना है। ओ टी बी डी एम एस इतना जो बड़ा सा है उसको कन्वर्ट किस में कर दें, OH में कर दें। तो लास्ट स्टेप हमें यहां से क्या करना है, थर्ड स्टेप में डीप्रोटेक्शन, और डीप्रोटेक्शन कराएंगे तो यहां से जो प्रोडक्ट है वो हमें कुछ इस टाइप का ऑब्टेन होता है। बहुत ही इजी सा एग्जांपल था, OH देन डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये यहां से हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। लास्ट में सिर्फ हमने यहां से OTBDMS था इसको OH में कन्वर्ट किया, बाकी कुछ नहीं किया। तो यहां से देखिए दो एग्जांपल्स मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं, इसके बाद एक और एग्जांपल है जो मैं एक्सप्लेन करती हूं, तब तक एक बार इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अच्छे से समझ के करना है, दोनों ही काफी स्टैंडर्ड वाले एग्जांपल्स हैं, सो बहुत ही अच्छे से समझ के करना है और काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं एक और एग्जांपल है वो एक्सप्लेन करती हूं। हो गया, इसके बाद देखिए हम एक और एग्जांपल है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो वो भी है प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल का ही एग्जांपल और काफी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल है वो डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारा आता है कुछ इस टाइप से। मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन समझने में बहुत इजी है, ठीक है। OH एंड देन यहां पे क्या है अपना, डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहां से कुछ भी R कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप यहाँ से लगा हुआ है जो कि एक लंबा सा ग्रुप है, तो उसे आई थिंक मैंने रिप्लेस कर दिया R से, वो अपना R है, ठीक है। हमें मतलब है सिर्फ इतने ग्रुप से, ठीक है। बाकी ऊपर वाला है वो हमारे लिए यहाँ से मैंडेटरी नहीं है, वो यहाँ पे बस मॉलिक्यूल को बड़ा दिखाने के लिए दिया हुआ, बच्चों को डराने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें डरना नहीं है। सो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ से हमें ऑब्टेन है वो क्या करना है, दिया हुआ है रिएक्शन में कि ओजोनोलिसिस कराना है, एंड आफ्टर ओजोनोलिसिस जो प्रोडक्ट है वो ये होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट है वो यहां से कुछ इस टाइप का होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ठीक है।
यहाँ से कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है वो हमें फॉर्म करना है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है ये हम किस टाइप से करें वो चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ओजोन है, यानी कि रिएक्शन है वो कौन सी लग रही है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन लग रही है। ओजोनोलिसिस में हो क्या रहा है, डबल बॉन्ड का यहाँ से हम क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस करते हैं। तो अगेन ये वाली मैकेनिज्म है, ये भी मैंने ऑक्सीडेशन में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ से देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए हमें यहाँ से करना क्या है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्किन करना है। एल्किन का जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं, तो इस वाले एग्जांपल को छोड़ के एक बार मैं आपको जनरल जो मैकेनिज्म होती है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। यहाँ से देखिए हमने लिया कोई भी जनरल एल्किन CHR, एक साइड हमने क्या रखा है, दोनों एल्किल ग्रुप रखे, एक साइड हमने एक हाइड्रोजन और एक एल्किल रखा, बिल्कुल इसी के जैसा बिल्कुल आप कोरिलेट कर पाओगे यहाँ से। तो देखिए हमें कराना है ओजोनोलिसिस, जब हम दोनों की रिएक्शन कराते हैं, ओजोन के साथ एल्किन की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है ओजोनाइड की, ओजोनाइड की फॉर्मेशन होती है। और ओजोनाइड है वो हमारा यहाँ से कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल है वो होता है। ये वाली रिएक्शन है ये न्यू नहीं है, पहले कर चुके हो ऑक्सीडेशन में, मैंने सारी की सारी रिएक्शन वो कराई हुई है। तो यहां से फॉर्मेशन होती है ओजोनाइड की। जब हम इस ओजोनाइड को ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर, ठीक है, ओजोनाइड को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, किस टाइप से करेंगे। तो देखिए यहां से ये वाले बॉन्ड के मॉलिक्यूल, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ये कहां पे जाते हैं, यहां पे जाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब जब यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस वाले कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके बाद देखिए आगे की तरफ मूव करते हैं, यहां से जैसे ही कार्बन ने डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहां पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, साथ में फॉर्मेशन किसकी हो रही है, एक मॉलिक्यूल कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि CRR(O) कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है। अब देखिए हमने रिएक्शन में क्या लिया हुआ है, H2O लिया हुआ है, जो कि ब्रेक किस में करेगा, H+, OH- में ब्रेक करेगा। यहां से देखिए कार्बन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा, OH- जुड़ेगा। ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा, H+ जुड़ेगा। तो प्लस में यहां से हमारा क्या फॉर्म होता है, CRH, ठीक है। सबसे पहले चीज तो हमने ये लिखी, उसके बाद देखिए इस वाले कार्बन पे कौन कौन है, एक ऑक्सीजन है, इस वाले ऑक्सीजन से एक हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, H+ लिया, वाटर से क्या बना, OH बना। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि अभी तो तीन ही वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, तो फोर्थ वैलेंसी है वो कौन कंप्लीट करेगा, यहां से हाइड्रोक्सिल है ये कंप्लीट करेगा। चीज क्लियर हो गई किस टाइप से हमने किया है। अब यहां से देखिए हाइड्रोक्सिल आ गया, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहां से करते हैं एल्यूमिनेशन ऑफ H2O, एल्यूमिनेशन ऑफ H2O है वो होना किस टाइप से है। तो यहां से देखिए ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन है वो यहां से एलिमिनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन, H+ की फॉर्म में निकलेगा। जैसे ही H+ की फॉर्म में निकलेगा, तो यहां से कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जब यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी जाएंगे हाइड्रोक्सिल के पास, OH- प्लस H+ मिलके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, माइनस H2O है वो यहां से हो जाता है। उसके बाद देखिए यहां से हमारा कंपाउंड बचा क्या है, तो देखिए CR लिख दिया एज इट इज, उसके बाद डबल बॉन्ड O, OH क्या है, एसिड है, ठीक है। चीज क्लियर हो रही क्या, अपना एसिड है। यहां से एक तो बना अपना कोई भी एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, और साथ में क्या बना, एसिड बना। ऐसा ही कुछ यहां पे भी है, एक तो क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। चीज क्लियर हो रही है, यहां से एक कीटोन बन रहा है, दूसरा एसिड बन रहा है। तो ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हमारा ये वाला है, तो हम दोनों को यहां से डिस्कस कर लेते हैं एक बार की होना किस टाइप से, इस वाले की मैकेनिज्म है ये हम देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म की यदि मैं बात करूं, तो ये वाले मैकेनिज्म है, इसका स्क्रीनशॉट समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट की कोई नीड नहीं है। इस वाले की मैकेनिज्म है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो डायरेक्टली तो हम यहाँ से ओजोनोलिसिस करा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल भी प्रेजेंट है, इसकी रिएक्टिविटी एल्किन से ज्यादा है, तो पहले ये रिएक्शन कर लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल है वो करना होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल है वो हम यहां से करेंगे, और जैसे प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल करेंगे, तो हम यहां से ईथर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम यहां से किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ईथर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैं पूरा मॉलिक्यूल है वो बार बार नहीं लिख रही हूं, मैंने यहां से मॉलिक्यूल को ये जो एरो है ये बना के छोड़ दिए, यानी कि आगे भी कुछ स्ट्रक्चर वो चल रही है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या है वो आपको यहां से पता चल रहा है। देन यहां से अपना हाइड्रोक्सिल था, हाइड्रोक्सिल का हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट किस में होना है, CH2 PH
चीज क्लियर हो गई। यहां से फॉर्मेशन किसकी होती है, सी एच टू पी एच की फॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद जब हमने प्रोटेक्शन कर लिया तो हम क्या कराएंगे, ओजोनोलिसिस कराएंगे, और ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहां से किस टाइप से इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है वो तो हम यहां से डायरेक्टली दिखा सकते हैं। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी कि किस टाइप से होती है, फिर भी मैं यहां पर ड्रॉ करने का ट्राई करती हूँ, यदि बन पाता है तो, कि किस टाइप से इसकी मैकेनिज्म है वो हुई है। ठीक है, रिंग को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। देन यहां से देखिए, ये अपना ओ सी एच टू पी एच, इसको छोड़ दो, ये वाली रिंग आगे की तरफ चल रही है, इसको भी भूल जाओ। अब यहां पे आते हैं, सिर्फ इतने ग्रुप को हमें देखना है कि यहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। एल्किन है, एल्किन से हमने ओजोनोलिसिस कराया, तो ओजोनोलिसिस में देखिए हमने क्या किया था, ओजोनाइड की फॉर्मेशन की थी, जो कि हमारा कुछ इस टाइप का कंपाउंड था। ठीक है, ओजोनाइड कुछ इस टाइप से होता है। अब जब ओजोनाइड इस टाइप से होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का दोनों के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक करना पड़ेगा। जब दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहां से ओजोनाइड फॉर्मेशन होती है। ये यहां से कुछ इस टाइप से ओजोनाइड की फॉर्मेशन हो सकती है। चीज क्लियर हो गई, ओजोनाइड की फॉर्मेशन समझ आ गई। यहां से ये वाला कार्बन है, यहां से ये वाला कार्बन है। अब इस कार्बन ने देखिए, ये वाला कार्बन है, इसकी तो चारों वैलेंसीज हैं वो कंप्लीट है, लेकिन इसकी तीन ही वैलेंसी कंप्लीट है, यानी कि यहां पे एक हाइड्रोजन है वो भी प्रेजेंट है। तो इस टाइप से यहां से ओजोनाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। आप इसके साथ इसको कोरिलेट कीजिए, इसके साथ इसको ऐसे कोरिलेट करके देखिए कि हाँ, इस टाइप का ओजोनाइड यहां पे भी फॉर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहां से H2O लेते हैं। H2O लेंगे तो देखिए, सबसे पहली चीज, यहां से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहां पे, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, सी डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन यहां से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ऊपर, तो O नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर जैसे कि हमने यहां पे की थी। सबसे पहले ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, देन ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे। इधर क्या है, R है, H है, और यहां पे R2 है, तो यहां से भी कुछ इसी टाइप का कंपाउंड है वो फॉर्म हो रहा है। यदि आप अच्छे से समझ रहे हो तो मैकेनिज्म बहुत ही ईजी है। यदि आप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को देखिए कि बड़ा मॉलिक्यूल है तो आप डर जाते हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो हार्ड ही लगने वाली है। तो यहां से देखिए, C डबल बॉन्ड O, सबसे पहली चीज फॉर्मेशन हो गई C डबल बॉन्ड O की। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहां से देखिए, इस वाले कार्बन पे देखिए, तो इस वाले कार्बन पे सबसे पहली चीज है वो क्या आ रही है, यहां से ये कार्बन है, देन ये वाला, सबसे पहली चीज क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमने रख लिया। हाइड्रोजन के बाद कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको सेटिस्फाई कौन करेगा, हाइड्रोक्सिल करेगा। उसके बाद यहां से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, एक ऑक्सीजन पे एक और हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है, इससे हमें क्या करना है, माइनस H2O करना है। और माइनस H2O जब हम करेंगे तो यहां से कुछ इस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है, OCH2PH। देन यहां से ये वाला इस टाइप से है, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH। चीज क्लियर हो रही है, C डबल बॉन्ड O OH, इस टाइप से यहां पे मैकेनिज्म होती है। तो यहां से हमारा ये कंपाउंड है ये फॉर्म हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, डी प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, तो डी प्रोटेक्शन है वो हम किससे कर सकते हैं, Bu4NF कर सकते हैं, Bu4 N पॉजिटिव F नेगेटिव, यहां से हम डी प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। एंड देन यहां से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस टाइप से होता है, यही वाला हो जाता है। यहीं पर पहुंचा देती हूं मैं इसको, आफ्टर डी प्रोटेक्शन। डी प्रोटेक्शन करके तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहां से ये वाला कंपाउंड फॉर्म करना है। यहां से देखिए, मैंने रिंग्स को आपस आगे खुला रखा है, यानी कि इसी वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो हो रही है। अब यहां से देखिए, ये वाला ओजोनाइड था, इसके बाद ये वाले जो स्टेप है ये मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि किस टाइप से फॉर्म हुई है। सबसे पहली चीज तो यहां से क्या फॉर्म हो गया, R2 सी डबल बॉन्ड O फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या बचता है, CH बचता है, R बचता है, देन O OH बचता है और OH बचता है। आप बिल्कुल इस वाले कार्बन को यहां से मैच कर सकते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा ही है। तो यहां से इस टाइप की होती है मैकेनिज्म, काफी कॉन्सेप्चुअल है, देखने में काफी जायंट मॉलिक्यूल लग रहा है, काफी हार्ड मैकेनिज्म लग रही है, बट है बहुत इजी यदि आप समझ के करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां पर एक कार्बन है वो कम कर दिया, सी सी लिखने की कोई नीड नहीं है। यहां से डायरेक्टली मैं इसको लिख देती हूँ, डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ पे कार्बन कम नहीं होता, कार्बन है वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, चीज क्लियर हो रही है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे ओजोनोलिसिस कराया है एल्किन का, सिर्फ बाकी कुछ नहीं कराया, सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल कराया, देन ओजोनोलिसिस कराया। तो ये कुछ तीन एग्जाम्पल्स थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। साथ ही अगेन लाइट की प्रॉब्लम थी, बिकॉज मेरे यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दैट्स व्हाई लाइट है वो बार बार में आती जाती रहती है, सो सॉरी फॉर दैट। जल्दी ही सब कुछ ठीक होने वाला है। देन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा इसमें बसता है सिंथेसिस ऑफ ड्रग साल्बुटामोल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।